नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि भारत वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला T20 मैच जीते तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला T20 मैच 3 अगस्त को रात में 10 बजे शुरू होगा। दोस्तों यह मैच USA यानी अमेरिका में खेला जाएगा। अमेरिका के फ्लोरिडा ग्राउंड पे यह मैच खेला जाएगा और वो टाइमिंग 10 बजे शुरू होगा रात में। दोस्तों वही भारतीय टीम इस मैच में कोई बदलाव के साथ नहीं उतरेगी। भारतीय टीम में ओपनिंग की जिम्मेदारी रोहित शर्मा और शिखर धवन के कंधे पर रहेंगी। वही मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली, अंबाती रायडू और मनीष पांडे संभालते नजर आएंगे। दोस्तों वही ऑलराउंडर की भूमिका में केदार यादव नजर आएंगे। वही रविंद्र जडेजा भी ऑलराउंडर की भूमिका में नजर आ सकते हैं। वही भारतीय टीम की गेंदबाजी मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार संभाल सकते हैं। वही स्पिन डिपार्टमेंट युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव नजर आ सकते हैं। टीम इंडिया के रोहित शर्मा ने टीम इंडिया के एक मध्यक्रम बल्लेबाज के तौर पर डेब्यू किया था इसी मैच में। दोस्तों शुरुआती कुछ साल में रोहित शर्मा की बल्लेबाजी धीमी रखा था, लेकिन रोहित शर्मा इस मैच में अपने 4 बड़े रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। वेस्टइंडीज दौरे पर रोहित शर्मा ने अगर ये रिकॉर्ड तोड़ डाले तो सचिन कोहली के आगे निकाल सकते हैं। दोस्तों अपने कीर्तिमान में उन्होंने अभी तक 300 छक्के लगाने के तौर पर लगाए हैं। उन्होंने 294 छक्के लगाए हैं और 6 छक्के लगाने के साथ वो अंतर्राष्ट्रीय में एक सलामी बल्लेबाज के तौर पर सबसे ज़्यादा छक्के लगाने के बल्लेबाज बन सकते हैं। PM News 24 की रिपोर्ट।